आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। वीर साधना एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। वीरों की स्थापना वीर कंगन में होती है, लेकिन वीरों की मंत्र की स्थापना आप मनोवृत्ति और अपने आसपास भी कर सकते हैं। वीर काल भैरव के सेवक होते हैं, और अगर इनको आदेश हो तो ये देव दानव किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझते। वीरों का प्रयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। वीरों का प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जहाँ पर कोई असाध्य काम हो, उस जगह पर किया जाता है जहाँ पर कुछ बहुत बड़ा तंत्र हुआ हो। तो आज जो मैं आपको मंत्र और मंत्र विधान बताने वाला हूँ, वो मंत्र विधान अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र या अभिचारिक प्रयोग हुआ है, तो सिर्फ इस मंत्र से एक रात में आप इसको सिद्ध करके जिसने भी आप पे तंत्र किया है उस पर उसको वापस भेज सकते हैं। ये इसकी खूबी है। जनरल में जब आप तंत्र काट करते हैं तो जो भी आप पे तंत्र हुआ हुआ है वो तंत्र ख़त्म हो जाता है, या फिर उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। लेकिन इस मंत्र से अगर आप तंत्र काट करते हैं तो जिसने जो भी शक्ति आपके पास भेजी है आपका अनिष्ट करने के लिए, वो शक्ति सिर्फ आपके पास से लौटती नहीं है, वो लौट करके जिसने भी आप पर तंत्र प्रयोग किया है उस पर उसी प्रयोग को उलट करके करती है। इस साधना के लिए क्या चाहिए? साधना एक रात में किसी भी अमावस्या के रात में सिद्ध हो जाएगी, सिर्फ एक रात में। इसके लिए आपको चाहिए धूमन। धूमन को रार भी बोलते हैं। धूमन माँ भगवती का और भैरव जी का बहुत प्रिय हवन सामान है, तो उसी धूमन से आपको हवन करना है। जो मंत्र अभी मैं आपको बताऊंगा, 1000 जाप करके 1000 हवन धूमन से अमावस्या की रात में इसको करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र क्या है? मंत्र अभी आपके स्क्रीन पर है। ओम उल्टत नरसिंह पलटत काया, एही ले नरसिंह तोहे बुलाया, जो मोर नाम करत सो मरत पड़त, भैरो चक्कर में उल्टी वेद उसी को लागे, कार दुहाई बड़े वीर नरसिंह की दुहाई, कामरू कामाख्या देवी की दुहाई, अष्टभुजी देवी कालिका की दुहाई, शिव सदगुरु के वंदे पायो। इस मंत्र से आप पहले 1000 जाप करेंगे किसी भी अमावस्या के दिन, और उसके बाद 1000 धूमन जिसको रार भी कहते हैं उससे इसका हवन कर देंगे। ऐसा करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जब आपको ऐसा लगे कि आप पर अभिचारिक प्रयोग हुआ है, उस समय आप इस मंत्र का पुनः इतना ही जाप और इतना ही हवन करेंगे धूमन के साथ जिसको रार कहते हैं, और जिसने भी आप पे तंत्र किया हो वो तंत्र उस पर वापस हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने का है कि जब तक आप श्योर नहीं हैं कि आप पर तंत्र हुआ है तब तक इस मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। ये मंत्र बहुत पावरफुल है, इसका हर रोज़ आप जाप नहीं कर सकते हैं। जिस दिन सिद्ध कर लिया उसके बाद सीधे जिस दिन आप प्रयोग करेंगे उस दिन ही इस मंत्र का जाप करेंगे, अन्यथा इस मंत्र का जाप आप नहीं करेंगे। तो ये हो गई वीर साधना। वीर कंगन के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ वीर कंगन अभी और मेरे पास पड़े हुए हैं। पहली बार जिन लोगों ने बोला था उनका वीर कंगन तैयार है और
कुछ लोगों के पास पहुंच भी गया है। अब जिनको वीर कंगन में वीर स्थापित करके चाहिए वो मुझसे संपर्क करें व्हाट्सएप पर, पूजा विधान के साथ मैं 51 दिन में उसको सिद्ध करके आप लोगों को दूंगा। जिनको खुद से सिद्ध करना है उनको 10 दिन साधना के अंत में मेरे पास आकर रहना पड़ेगा और मेरे साथ मेरे सानिध्य में साधना करनी होगी, क्योंकि अंतिम का 10 दिन जो वीर साधना होती है वो काफ़ी उग्र होती है, तो वो हो सकता है आप ना संभाल पाए। साधना शिविर जो इस महीने होने वाली थी वो अगले महीने पोस्टपोन्ड हो गई है। आप में से जो साधना शिविर में आना चाहते हैं वो वेबसाइट पर ध्यान रखें, अनाउंसमेंट अभी कुछ दिनों में आएगा। होली का ग्रुप शुरू हो गया है, उसका अनाउंसमेंट कम्युनिटी में है। होली का की साधना जिनको करनी है 3 दिन की इस बार साधना होगी, और जो पहले 25 लोग होंगे उनको ही एनरोल करेंगे हम, उसके बाद इसमें एंट्री बंद हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर है 9431188585। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरा वेबसाइट है www.aghortantrasya.xyz, उसमें अपॉइंटमेंट सेक्शन है, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। बहुत ज़रूरी हो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं बिना ज़रूरत के बात करें। आज के लिए इतना ही। वीर आप लोगों को सुरक्षित है ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश। Thank you.